लोनावला क्यों 480 रुपया भाई क्यों डबल डबल 480 मतलब रिटर्न भी दे रहे हैं नहीं रिटर्न नहीं चाहिए क्यों अरे रिटर्न चाहिए बोल हम लोग बोल रहे हैं हाँ फास्ट ट्रैक कंपलसरी है क्यों कंपलसरी है भाई क्यों कंपलसरी है क्या चाहिए फास्ट ट्रैक कंपलसरी क्यों है अरे तो कैश की लाइन है ना और भाई रिचार्ज कर तू फास्ट टैग मारेंगे आप रिचार्ज कर हाँ रिचार्ज कर रिचार्ज कर रहे भाई अरे 10 मिनट तो खड़े रहेंगे 440 मांग रही है कैश नहीं काम करेगा तो पैसा डबल लेगा ही हाँ तो काम नहीं कर रहा मेरी गलती तो ना उनकी गलती आपका चालू है क्या टाइम आगे लगा रहे भाई हम लोग साइड में लगा रहे चलो साइड में लगा लेते ना हम लोग कुछ दे दो भाई उनको दे दो पीछे वाला लाइन में खड़ा कुछ दे दो आपका टैग चालू है ना उनको कुछ दे दो इधर साइड में लगाओ गाड़ी उनको कुछ दे दो हुआ क्या हाँ ठीक है लाइसेंस दीजिए लाइसेंस हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तो गाइस आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ लोनावला और अभी बज रहा है 6:50 हो रहा है 6:50 हो रहा है तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाइक आ जाने वाले हैं और हम लोग लिमिटेड दोस्त लोग ही है तो इसके लिए सब टाइम पे आ गए 6:30 का टाइमिंग था 7 बज गया ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी यहाँ से सबसे पहला कार से निकलेंगे और आपको बता दो कौन कौन मेरे दोस्त हैं और तीन तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अभी देख रहे हैं गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो चलते हैं ट्रिप की शुरुआत 3 महीने बाद तो गाड़ी निकालो भाई अभी हम लोग यहाँ पे खारघर पहुँचे अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके यहाँ पे हमेशा हमेशा नाश्ता करते और अभी हम लोग यहाँ रुके थे नाश्ता के सब लोग घर से खाके नहीं आए ना ही पानी पी के आए ना ही कुछ भी बहुत लेट हो रहा है इस वजह से और अभी यहाँ नाश्ता करेंगे हमारा नाश्ता का अड्डा यही है खारघर जब भी हम लोग ये रास्ते से जाते तो यहाँ हमेशा रुक के नाश्ता करते यहाँ पे इडली और वड़ा बन रहा है क्योंकि सुबह सुबह क्या है बनता नहीं है बहुत कम जगह पे रेडी रहता है तो अभी यहाँ बन रहा है तो अभी हम लोग फटाफट इडली और वड़ा मिक्स वाला लेंगे और खाएंगे तो बहुत तेज लगी आपको दिखाता हूँ 1 नंबर नाश्ता हो गया यार मज़ा आ गई अब निकलेंगे सीधा लोनावला और एक और चीज़ गाइस मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं ये अपने सोनू भाई है जिनकी कार है और पीछे जो बैठे आलम है आलम भाई अपने और अपने पीछे है अकरम भाई ये अपने सब भाई लोग हैं तो अपनी इन लोग के साथ ही कुछ आ रहे बचाएंगे अब फॉग वाला पूरा एरिया आ चुका है बाहर है रोड पे पूरा फॉग है ये आगे वाली गाड़ी तक का उसको सही से नहीं दिख रही और ये फॉग में बहुत ही मज़ा आता है सबको साफ साफ दिख रहा है कहाँ दिख रहा है साफ कहाँ दिख रहा है क्लियर कहाँ दिख रहा है बता
को ये बहुत ही प्यारा लोकेशन मिला है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग फोटो शूट करेंगे मस्त वाला। ये बहुत ही कॉमन स्पॉट है यहाँ से। यहाँ स्पॉट एक्सीडेंट हुआ उसका एक्सीडेंट हुआ था बहुत टाइम पहला, तो ये जगह जो है ना बहुत मेमोरी हो गई है, लोग बहुत याद करते हैं इसको। तो हम लोग चलो अच्छे अच्छे फ़ोटो लेते हैं और फिर आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर देखना मेरे को। फिर एक लोकेशन पे रुके हम लोग। आहा क्या बात है, बात तो दिख रही है फुल एक नंबर लोकेशन। ये इधर का फोटो मार रही है भाई, बहुत ही प्यारा है। पुलिस वाला आ गया यहाँ पे रोक रहा है और यहाँ पे थोड़ा फाइन मार रहे हैं, थोड़ा बस गाड़ी बैठ गया और अपने को निकलना है, चलाओ भाई। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए बुशी डैम, यहाँ पे हम लोग पार्किंग की अपनी कार। अभी कार पार्किंग करके हम लोग पहला चेंज करेंगे, बिकॉज अभी क्या है शूज़ है ये सब नहाने पहन के नहाने मज़ा नहीं आएगी, तो हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा लाए और वो अभी चेंज करके गाड़ी में ही चेंज करेंगे और सब लोग चेंज करके फिर हम लोग जाएंगे। तो पहला चेंज करेंगे हम लोग। सो गाइस हम लोग अभी चेंज कर लिए कार में बैठ के, हम लोग चारों ने बैठ के चेंज कर लिए अच्छे से, सब चेंज किया। जिसको जो पहनना था, मैंने शॉर्ट्स लिए है और एक और मैंने जींस लिया है और मैंने अंदर ही चेंज कर लिया और क्योंकि हमारे पास टॉवल नहीं था और आलम भी चेंज कर लिए, सब चेंज कर लिए हम लोग, चड्डी भूल गए थे और अभी जाएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अरमान भाई का थोड़ा हिम्मत बढ़ाएं, थैंक यू। तो आगे का हम व्यूज़ दिखाएंगे बुशी डैम में, तो गाइस रेडी रहें एडवेंचर्स के लिए। मेरे को क्या लगता है बहुत गर्दी है भाई, आवाज़ देखना यहाँ तक आ रही है भाई, बहुत गर्दी है, देखते जाके। क्या बोलता अक्रम? सो गाइस बुशी डैम यहाँ से स्टार्ट होता है। पानी ठंडा कितना है, पानी ठंडा है, मक्खर भाई रिक्स नहीं लेना है मेरे को, पानी पानी में डाल रहा है। यहाँ पे चलने के लिए जम नहीं रहा, अपने टीम को बोलो यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जाए। चौपर आ रहा है, चौपर आ रहा है। तो गाइस ये है बुशी डैम, आज गर्दी कम है, अच्छा हुआ हम लोग को अच्छे से इन्जॉय करने मिलेगा, वरना गर्दी यहाँ जब रहती है ना इतनी ज़्यादा गर्दी, ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ इतनी ज़्यादा। और फॉग भी है, बहुत अच्छा है, जाके इन्जॉय करते हैं गाइस। एक गर्दी देखो, मैं किधर फोटो खींचाऊँ, इतनी गर्दी है यार कि खड़ने की जगह नहीं है।
खाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे मस्त इन्जॉय करे, बहुत ही बहुत इन्जॉय किए। और अभी थक के अभी कुछ खा लेते हैं, अभी हम लोग ऑर्डर किए भजिया, तो भजिया खाएंगे गरम गरम मस्त। भाई तुमको तो फोटोग्राफर होना चाहिए था। उसके बाद जाएंगे टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट में देखते हैं क्या है, कैसा रहेगा। अभी भजिया आई है, भजिया बन आ गई है भजिया। आ गया होगा ना वहाँ का। अभी हम लोग कुछ निकल गए, अभी यहाँ से जाएंगे पार्किंग है टाइगर हिल पे पड़ता है, और टाइगर हिल पे थोड़ा टाइम पास करेंगे, वहाँ पे मस्त व्यू देखेंगे, वहाँ पे मस्त मजा आएगी। तो अंकल अभी यहाँ से निकल रहे हैं, फटाफट जाएंगे उधर पे, वरना शाम गड़म क्या है बहुत भीड़ हो जाती है, और हम लोग के पास कार है, कार ज़्यादा फंस जाती है। तो फटाफट जाएंगे अपन और ऊपर जाके देखेंगे व्यू। अभी बज रहा है 2:30, चलो फटाफट। मेरे दोस्तों ये सफर यही भाई, एक नंबर, एक नंबर व्यू है। नासिर भाई क्या मौसम बोल रहा है, ये सुनो आराम से, तो दिख रहा है आगे, दिख रहा है, देखिए देखिए पापा की परी उड़ी, परी उड़ेगी जैसा पापा की परी उड़ जाती थी सीधा, जैसा भाई आगे का व्यू एकदम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन यही व्यू बहुत खतरनाक भी है सच बताओ तो। बट बहुत अच्छा लगा, चलाने वालों के लिए बहुत ही दुखदायक रोड है ये। नहीं भाई रुक जा, आराम से ले। अरे भाई दे दो स्टीयरिंग। नहीं भाई स्टीयरिंग मत दे, गाड़ी के दे दे भाई। अकरम भाई बहुत एकदम सेफ्टी सेफ्टी, नहीं नहीं डरा नहीं है, सेफ्टी बहुत ज्यादा रख रहा है, अपने से भी ज्यादा डरा नहीं है वो। ड्राइवर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ड्राइवर के ऊपर लेकिन प्रेशर डाल रहे हैं, ड्राइवर बोल रहा है भाई तू ही चला ले, गलती ना फिर भी हो जाए। हाँ हाँ, ना बोले तो फिर बगाला चालू करे। नहीं बगा यार कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं भाई कंट्रोलिंग के लिए ना गाड़ी तेरी जितनी स्लो रहेगी उतना अच्छा है। ओह एक नंबर। तो अभी हम पहुंच गए हैं लायंस पॉइंट, टाइगर पॉइंट भी बोलते हैं, ये यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है। यहाँ पे आते मतलब लोनावला जो भी आते हैं यहाँ पे तो आते ही, तो ये बहुत ही फेमस पॉइंट है। और अभी बहुत ही मतलब ठंडा मौसम है, बहुत ही ठंडा मौसम, और फॉग की वजह से तो आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा, आप वीडियो में देखिए, और बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत आज कुछ कुछ दिख नहीं रहा, हवा आ रही मस्त। हम लोग ये गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, पे एंड पार्क 50 रुपीज़। बताओ कैसा लग रहा है, बहुत चिल है, ठंडी बहुत लग रही है, ठंडे हो गए हैं, साथ में चाय भी है, फिर भी गर्मी आई नहीं, इंजॉयमेंट है, आप भी आइए दूसरों को दिलाइए, और नासिर से कॉन्टेक्ट करें, उससे कॉन्टेक्ट करें, आप देख रही है नासिर का ये। ये लोग ले रहे फोटो, बहुत ही मज़ा आया गाइज, अभी भी मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, और बस आप भी आ जाओ ये मौसम में घूमने के लिए अपने दोस्तों जिसके साथ आपको आना है आ जाओ, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का। आज है सैटरडे 5th अगस्त, तो वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अच्छा है बहुत, मैं घूम लिया, अब जा रहा हूँ नीचे, चलो अब सीधा रुकेंगे, चिक्की उक्की लेंगे और फिर जाएंगे खाना खाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, पहले जाएंगे चिक्की वाले के घर। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं चिक्की के लिए, और लोनावला आते तो सब चिक्की जरूर लेते हैं, यहाँ पे चिक्की भी अच्छी मिलती है, अजीब है ब्लॉग ही नहीं होता है मेरा, तो चिक्की सब अपना अपना चॉइस कर रहे हैं और लेंगे फटाफट। क्या है तो मैं क्या मजा ले।
तो जो चिक्की मिली है बहुत अच्छे रेट में मिली है डिस्काउंट में, तो मजा ही आ गया लेके। अबे बता कितने का 4000 का चिक्की लिए? मक्खी मार दिया 4000 का कम से कम चिक्की लिए तो हम लोग को डिस्काउंट पे मिल गया 15% डिस्काउंट बता रहे नहीं भाई। अरे तो भाई मगर अच्छा डिस्काउंट देता है भाई। घंटा मेरा। अब कहाँ रुकेंगे? अब हम होटल पे रुकेंगे खाने के लिए, खाना करेंगे, उसके बाद फिर मुंबई के लिए निकलेंगे, फिर अपने गेस्ट हाउस पे जाए। अच्छा गेस्ट हाउस पे ले जाएंगे? हाँ प्लान में चेंजेस हुआ बताए नहीं भाई, वीडियो कट कर भाई दूसरा गेस्ट हाउस वाला डालना है। चाइनीज़ कॉर्नर पे और यहाँ पे सब लोग अपना अपना ऑर्डर दिए। मैंने एक ट्रिपल राइस मंगाया है, मस्त खाऊंगा और सूप पीऊंगा फिर उसके बाद वापस गाड़ी में बैठ जाऊँगा। बहुत थक गए और सूप पीने का बहुत, मैंने फटाफट खाएंगे और निकलेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट मिलूँ क्या गाड़ी में, क्या दिखाऊँ खाना? ठीक है दिखाता हूँ। नहीं नहीं तो गाइज हम लोग का हो गया मस्त खाना पीना, अब यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे अपने अपने घर। बहुत ही मज़ा आया और ये ट्रिप में बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जितने लोग भी है बहुत टाइम बाद मिलते हैं, एक्चुअली में सब जॉब पे रहते हैं अपने अपने काम में तो बहुत टाइम बाद मिले और सबको बहुत अच्छा लगा। और अभी बज चुका है रात के 8 के करीब हो रहा है, 8 बज रहे हैं अभी। यहाँ से हम लोग को कम से कम पहुँचने में 9:30 तक हो जाएगा, 9:30-10:30 क्या बोल रहे हैं 7:30 9:30 तक पहुँच जाएंगे, 9 बजे तक एटलीस्ट पहुँच जाएंगे अपने अपने एकदम सेफली, है ना सोनू भाई? इंशाल्लाह, क्योंकि ड्राइविंग इनके हाथ में है। ड्राइविंग स्टेयरिंग हाथ में, स्टेयरिंग इनके हाथ में है तो उम्मीद है बहुत बहुत ज़्यादा कि एकदम मस्त एकदम सेफली घर पहुँचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत उम्मीदें हैं। तो गाइस चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल।